नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ सुंदर से सनफ्लावर के साथ। तो आज संडे है तो अपने गार्डन का ओवरव्यू देना था, तो हम सोचे क्यों ना हम भी दे दें। कुछ खास तो नहीं हो रहा है हमारे गार्डन में, लेकिन आज 3 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि सारे फूल पौधों का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो थोड़ा सा दिखाएं अपने गार्डन में कि इस वक्त क्या क्या हो रहा है फ्रेंड। तो ये मेरे अलमंडा में तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड, देखिए। और मेरे सनफ्लावर भी बड़े ही अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं फ्रेंड, बड़े ही सुंदर लगते हैं सनफ्लावर समर में। और मेरे गोंग फैनों भी बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरे ग्लैडिया तो फूल एकदम स्पेंड हो गए हैं, जो तो इसको काटेंगे। और अच्छे चल रहे हैं। और मैक्सिम पिटूनिया के तो इस समय फूल स्पेंड हो गए हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा मेरे प्लांट है जो बड़े ही अच्छे चल रहे हैं इधर। और इधर मेरे ये ओलियंडर प्लांट में भी बच्चे अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और अब कलियाँ भी आने स्टार्ट हो गई हैं फ्रेंड। और ये वाइट कलर का है मेरा ओलियंडर, बहुत अच्छा ब्लूम कर रहा है इसमें। और इसमें तो ढेरों कलियाँ आ रही हैं, तो फूल जब खिलेगा तो बड़ा ही सुंदर लगेगा। थोड़ी थोड़ी सी डेड हेडिंग कर दिए थे तो नए नए आ गई हैं बर्ड। और ये मेरा पिंक वाला जो देसी कनेर है तो पता नहीं कब खिलेगा, अभी बर्ड्स बन रही है फ्रेंड। और ये वाइट कलर का मेरा है, अभी इसका सब बहुत अच्छा खिल रहा है और अभी बहुत सारी कलियाँ बन भी रखी है, देखिए फ्रेंड। इसमें फूल नहीं आ रहे थे तब मैंने बहुत खाद वाद डाली थी, इसकी वीडियो डाली थी मैं, इसमें भी नहीं आ रहे थे। और ये जो है मेरा ओलियंडर, इसमें भी नहीं आ रहे थे, तो अब आना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए बहुत सारी बर्ड्स आई हैं इसमें, ढेरों कलियाँ बनी हैं इसमें फ्रेंड। और फूल कल भी खिला था और इसमें भी बहुत कलियाँ आ रही हैं, इसमें कल खिल जाएगी फ्रेंड। और ये मेरा चंपा का फ्लावर है तो अभी फ्लावर खिलने वाला है, खिला नहीं है इसमें, बाकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है इसकी। और ये मेरा है रेड वाला हिबिस्कस, तो बहुत सारे फूल आए हैं फ्रेंड, देखिए इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये फूल खिला है। और देखिए अभी कितनी सारी कलियाँ कल खिल जाएगी फ्रेंड, इधर भी खिली हैं। और ये मेरा है देसी पिटूनिया। और मेरे इंपेशन में तो इसमें ही फ्लावर हो रहे हैं अभी, और सब में बर्ड्स बन रहे हैं। और ये मेरा ये कल पिंक कलर का टेनिस लगाई थी जो हिबिस्कस, तो एक फ्लावर आया था, अभी बर्ड्स आ रही है फ्रेंड। और ये जो सैपलिंग जो मेरे गार्डन में सीड्स उगे थे बालसम के, तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं प्लांट, देखिए कितने हेल्दी हो गए हैं अभी, इतने सारे पौधे उग रखे हैं। तो इनको ऐसे ही छोड़ती हूँ, और इसमें जीनिया के भी लगा रखी हूँ। और ये कॉस्मोस का उग गया था तो इसमें ही है अभी, ये देखिए नीचे भी उग रहा है फ्रेंड। और इधर ये जो मैंने बालसम के ट्रांसप्लांट कर दिए थे तो देखिए इतने बड़े बड़े हुए। तो इस समय मानसून में ये ज़्यादा हाइट नहीं लेते हैं और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड जल्दी ही, ये देखिए बर्ड्स आने स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से हम अरेंज करें इसको। और ये हमारे नींबू के दो प्लांट जो लगाए हैं, और बालसम इसमें भी उगा है तो देखिए यहाँ भी लगाए हैं फ्रेंड। और ये जीनिया का जो लगाए हैं, ये भी जो बाद में सीड्स हुए हैं उन्हें लगाए हैं, अभी ये छोटे हैं। और काफ़ी गर्मी पड़ने के कारण देखिए प्लांट की हालत बड़ी ही ख़राब हुई थी, तो अब मेरे रोजेस में थोड़े बहुत अच्छी हालत हो रही है इनकी। और बर्ड्स भी आ रही है, काफ़ी फूल खिल भी गए थे अभी और खिलने भी वाले हैं। और इसमें तो बहुत बर्ड्स आ रही है लेकिन कंडीशन अच्छी नहीं है प्लांट की। और ये मेरा रोजेस खिला है, ये मेरा बटन रोज है, और ये पिंक वाला भी खिलने वाले हैं, अभी जब खिलेंगे तो देंगे इसका अपडेट। और ये मेरे वाइट रोजेस में तो बहुत कली आ रही है फ्रेंड, और फूल भी खिल रहे हैं, बारिश से बहुत से स्पेंड हो गए हैं। और ये जो मैं लगाई थी, जो खुद से ग्राफ्ट करी थी, एयर लेयरिंग करी थी, तो इसको कट करके लगा दी हूँ फ्रेंड, इसमें भी करूँगी एयर लेयरिंग। और ये मेरा है आपला का डाबरा। और ये जो मैं कटिंग से लगाई थी देखिए, तो इसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई है। इधर ये गेंदे के हैं, ये भी मेरा पिंक रोजेस है, और ये मेरे जीनिया के हैं। और यहाँ ये कॉस्मोस के जो उग गए थे अपने आप सीड्स, देसी वाले हैं, तो यहाँ ट्रांसप्लांट कर दी हूँ।
और ये जो पहले का जीनिया लगाई थी, जब मैं इसका वीडियो भी डाली हूँ तो देखिए ये इतने बड़े प्लांट हो गए हैं, इसमें भी चल रहे हैं। और ये तो अभी रिपोर्ट करी थी, और ये जो पहले की हैं ये वो प्लांट है, देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं ये, तो इनमें भी फूल जल्दी ही खिलेगा। और ये बालसम के भी बहुत सारे सीड सूख रहे हैं, बहुत से प्लांट हमने दे भी दिए हैं फिर भी उगे जा रहे हैं। और इधर ये जीनिया चल रही है, मेरी जीनिया काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, और ये तो बहुत ही अच्छे फूल खिल गए हैं, फूल नहीं अभी आए हैं मतलब खिलने वाले हैं अब, काफ़ी सारे ये ब्रांचेस आ रही हैं, बुशी हो रहा है प्लांट। और ये मेरे मोज रोज़ देखिए आज बड़े ही खिले थे, अब इनकी कंडीशन काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है फ्रेंड। ये देखिए इसमें पानी भरा भी निकालूंगी मैं, तो बारिश में अगर इस तरह से पानी भर जाए तो ये भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इसका ड्रेनेज सिस्टम चेक करूंगी फ्रेंड। और यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा फूल खिले थे मेरे मोज रोज में, देखिए इसमें भी पानी भरा है, तो इस तरह से बारिश के वक्त चेक कर लेना चाहिए। तो अभी मैं इसको गिरा दूँगी पानी। और फ्रेंड ये देखिए मेरे सदाबहार, जो मैं इसको थोड़ा थोड़ा कट कर दी थी, तो देखिए कितना बूशी हो गया, फूल भी बहुत खिले थे, बारिश की वजह से बहुत ख़राब हो गए हैं फ्रेंड, तो बड़े ही अच्छे चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फूल खिल रहे हैं, कुछ प्लांट में नहीं खिल रहे हैं। और मेरा आलमंडा तो बहुत ही हैवी फ्लावरिंग कर रहा है, एक ही प्लांट है, और इसमें मैंने ये जीनिया के भी लगा दिए थे, इसकी जड़ें बड़ी छोटी रहती हैं, ये ड्रॉप वैरायटी का जीनिया है, तो काफ़ी सीड्स उगे हैं तो मैंने इसमें ही लगा दी। तो देखिए फ्रेंड, तो ये था आज का मेरा संडे ओवरव्यू, और बारिश के समय देखिए प्लांट कुछ ख़राब हैं, कुछ हेल्दी हैं, कुछ में फूल आ रहे हैं फ्रेंड, तो ये तो चलता ही रहता है मौसम के अनुसार, हमारे गार्डन में भी कुछ अच्छा होता है कुछ ख़राब होता है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर